गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेन समझ लिया और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को भी समझ लिया। दोस्तों आज हम लोग उसके अंदर लेंथ वाली जो चीज थी यानी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको याद होगा कि आपने तो ये बोल दिया सर कि सिग्मा यानी स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया। अब दोस्तों यहां पे दूसरी हम लेंथ के बारे में बोलने वाले हैं, तो लेंथ का था एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, यानी चेंज इन लेंथ इज नोन एज डेल्टा एल एंड ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज कैपिटल एल। दोस्तों कई बार इसको स्मॉल एल और कैपिटल एल से भी डिफाइन किया जाता है, तो प्लीज 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 ये ध्यान रखना। बात हो रही है दोस्तों यंग मॉड्यूलस मतलब क्या, तो यंग मॉड्यूलस मतलब रेशियो ऑफ स्ट्रेस यानी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, यानी हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों बोलो क्या फॉर्मूला आएगा, यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन l। दोस्तों नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आई है, इसके हिसाब से आप उसका यूनिट और एमएलटी भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन एल इज अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, एमएलटी एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा। तो फाइनली इसका भी यूनिट पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एमएलटी दोस्तों पक्का कर दे तो उसका एमसीक्यू अगर पूछेंगे तो हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी रेडी है। बात यह आ रही है कि हर एक यंग मॉड्यूलस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या फिर यंग मॉड्यूलस की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, अलग अलग मटेरियल की यंग मॉड्यूलस की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि दोस्तों पहली बार मैं मेटल की बात करूं तो मेटल की यंग मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है मेरे दोस्तों। दूसरी बात, अगर छोटे छोटे एमसीक्यूज निकालने हैं तो क्या हमें पूछ सकते हैं स्ट्रेस एंड स्टील। याद रखना दोस्तों स्टील का इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होता है, कॉपर से भी ज्यादा, एल्यूमिनियम से ज्यादा। इसलिए दोस्तों हम लोग एसएस यानी स्टेनलेस स्टील का यूज हम लोग हैवी ड्यूटी मशीन के लिए करते हैं या फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए करते हैं। दोस्तों आपको लगे क्या अलग अलग एलिमेंट के यंग मॉड्यूलस अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको ऐसा बोलूं कि हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका एरिया फिक्स है, जिसका हमें करना क्या है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन जो फाइंड करना है वो इतना रहेगा, तो उसके लिए अप्लाइड फोर्स कितना होगा। दोस्तों सपोज अप्लाइड फोर्स आपका 2000 न्यूटन है, पर क्या अलग अलग मटेरियल के लिए सेम फोर्स रहेगा? नहीं दोस्तों, आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के लिए, ब्रास के लिए, कॉपर के लिए, यानी अलग अलग मटेरियल का यंग मॉड्यूलस अलग अलग हो सकता है, उसके कारण उसके फोर्स में भी दोस्तों चेंज आएगा। इसलिए आपको पता होगा कि मेटल को थोड़ा भी लेंथ में चेंज करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पक्का हो गया दोस्तों, आपके माइंड में क्लियर है कि हमें कैसे यूज करना है। दोस्तों मैंने क्या किया, उसका एक एक्सपेरिमेंट ले लिया, मैंने दो इक्वल वायर ले लिए ए एंड बी, सेम लेंथ वाले सेम रेडियस वाले, यानी इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेडियस वाले दो वायर ए एंड बी मैंने एक फिक्स्ड सपोर्ट से उसको रख दिए। पहला जो वायर ए है दोस्तों याद रखना, पहले वायर को मैं बोलूंगा रेफरेंस वायर, क्योंकि वहां पे मैं मेन स्केल रखने वाला हूं, उसके साथ मैं वर्नियर स्केल रखने वाला हूं। दोस्तों उसके साथ मैं दूसरा वायर कनेक्ट कर रहा हूं जिसे हम बोलेंगे दोस्तों एक्सपेरिमेंटल वायर, टेस्टिंग वायर। अगर यहां पे मैं अलग अलग वेट रखूंगा तो सीधी सी बात है आप समझ सकते हो इस पे जो फोर्स लगेगा वो वेट फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू एम जी, जो डाउनवर्ड्स होने वाला है। दोस्तों ये फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, या ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को चेंज इन लेंथ
वो मिल गया डेल्टा एल। दोस्तों मैं ऐसा बोल दूं कि उसकी जो रेडियस है उसको मैं स्मॉल आर बोलूं, उसकी जो लेंथ है उसको मैं एल बोलूं, तो पहली बात रेडियस के हिसाब से एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो बात क्या होगी कि सर एक काम करो, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। आपने जो बोल दिया वेट फोर्स जिसे हम एमजी बोलने वाले हैं, एरिया को पाई आर स्क्वायर। अब याद करो दोस्तों स्ट्रेन की बात चल रही है, तो स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। चलो 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 फटाफट रेडी हो जाओ, यंग मॉड्यूलस की बात करते हैं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन एल, सिग्मा की जगह दोस्तों एफ बाय एप्सिलॉन एल की जगह डेल्टा एल बाय एल। देखना हमें धीरे धीरे एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिलेगा जो एमसीक्यूज में बहुत काम में आने वाला है। सो वाई इज इक्वल टू फोर्स का मतलब mg, a का मतलब पाई आर स्क्वायर, डेल्टा l वैसा का वैसा, l दोस्तों ऊपर चला जाएगा यानी मेरे पास ऊपर की तरफ l रेडी हो गया। आप सब देख सकते हो हमें यंग मॉड्यूलस का एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। दोस्तों याद रखना इसमें से ज्यादातर आपको बोलेंगे कि चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, तो डेल्टा l को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर y। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर एमसीक्यूज में फोकस कर रहे हो तो ऐसा बोल सकते हो कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितनी बड़ी होगी चेंज इन लेंथ भी ज्यादा आएगी। दूसरी बात, चेंज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉड्यूलस, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो उसके रिगार्डिंग आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखा है, एक फिक्स सपोर्ट है, यहां पर मैंने दो वायर रखे हैं, जो फर्स्ट वाला वायर है वो स्टील का है। दोस्तों एक काम करते हैं, पहला स्टील का वायर है उसकी लेंथ इतनी है। दोस्तों अब ये वायर पे दो फोर्स लगने वाले, तो मैं यहां पे टोटल मास सोचूं तो टोटल मास हो जाएगा 6 + 4 10 kg, क्योंकि दोस्तों ये वायर पे इसका तो फोर्स लगेगा, इसका भी फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी, मास हो गया 10 kg इंटू 10, दोस्तों 100 N पक्का। चलो तो फटाफट रेडी हो जाओ, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पे वैल्यू पुट करनी है, हमारा काम पक्का। चलो मास 100, 10 इंटू हो गया ना हमारा 100, लेंथ चलो स्टील की लेंथ कितनी है दोस्तों 1.5, पाई पाई की वैल्यू दोस्तों 3.14, रेडियस दोस्तों यहां पे डायमीटर दिया, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आपको यहां से रेडियस में जाना है तो इसका हाफ करना पड़ेगा 125 cm, यानी 0.125 × 10⁻²⁪ मीटर। तो ध्यान से देखो रेडियस हो गया 0.125 × 10⁻²² का स्क्वायर। फॉर्मूला के हिसाब से y आएगा, तो दोस्तों यहां पे हम लोग y लिखने वाले हैं। चलो स्टील का यंग मॉड्यूलस दोस्तों कितना था 2 × 10⁻¹১, तो देख सकते हैं दोस्तों इसका सिंपल कैलकुलेशन कर दो, सो डेल्टा l इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁴ मीटर, यानी आपके पास स्टील कितना लंबा होगा वो चेंज इन लेंथ इन स्टील वो रेडी हो गया। तो कोई मेरा दोस्त बोल सकते हैं सर ब्रास के लिए भी आप कैलकुलेट करो, तो चलो ब्रास का फॉर्मूला फटाफट रेडी हो जाओ, 3 मिनट का काम बाकी है, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वायर। फास्ट मेरे दोस्तों यहां गलती मत करना, यहां ब्रास वाला वायर सिर्फ इतने ही फोर्स को कंसिडर करेगा, इसलिए मास रहेगा 6, जी की वैल्यू 10, लेंथ कितनी है 1, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस अभी बोला सर आपने 0.125 × 10⁻²² का स्क्वायर।
यंग मॉड्यूलस दोस्तों 0.91 × 10^11, तो फटाफट कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ गया कैलकुलेशन से 1.3 × 10^-4। तो दोस्तों आपको जो भी मैंने यंग मॉड्यूलस सिखा है वो ध्यान से देख लो, पक्का कर दो। उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज का 5 नंबर का न्यूमेरिकल आपको दिया है वो ध्यान से देख लो, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाली चीज है। तो पक्का कर लो और एक बार अच्छे से लिख दो दोस्तों।